तैयार हो जाइए इस मुकाबले के लिए। पहली रेड पर एक परिवर्तन के तौर पर हमने रोहित को देखा है, आज रोहित पहली रेड पर आए हैं, यानी कि रोहित के इरादे भी दूसरे हैं। अब तक चार मैच में सिर्फ 10 रेड पॉइंट ले सके हैं, ये 11वां पहली ही रेड में कॉर्नर को बाहर किया और पांच मैच के बाद ये सिद्धार्थ देसाई की चमक सी लौटती दिखाई दे रही है। इसमें कोई शक नहीं, इस बार दो पॉइंट्स लेकर के आए सिद्धार्थ देसाई। सुपर टैकल की सिचुएशन इस सीजन सिद्धार्थ देसाई सुपर टैकल की सिचुएशंस में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। सिद्धार्थ देसाई टैकल करने गए थे या रेड करने गए थे बेंगलुरु बुल्स भाई? इस तरह का टैकल बहुत बिरले देखने को मिलता है। रविंदर पहल सीजन 1-2 में इस तरह के हैंड टैकल किया करते थे जब वो कलाई पकड़ लेते थे। ये देखिए किस तरह से पवन सेहरावत ने उनकी भुजाओं को पकड़ा और वहीं पर खड़ा कर दिया सिद्धार्थ देसाई को। रेडर्स आज डिफेंस करते हुए हमें दिखे हैं, बेहतरीन स्पीड पवन सेहरावत जिसके लिए जाने जाते हैं। ये रनिंग हैंड टच है, ये पवन सेहरावत की खासियत है, अचानक एक्सेलरेट करते हैं और इस बार रोहित जहां थे वहीं बने रहे। अच्छा ब्लॉक तेलुगु टाइटंस। और अच्छी बात इस ब्लॉक को लेकर यह है कि चूंकि ये सुपर टैकल था, चूंकि मात्र 3 डिफेंडर थे मैट पर, तो 2 पॉइंट मिलते हैं इसके तेलुगु टाइटंस को। विशाल भारद्वाज बेहतरीन डिफेंडर है, टाइम बिता करके आए सिद्धार्थ देसाई। उन्हें कोशिश ये करनी चाहिए कि पॉइंट्स लेना है, कम से कम बिल्कुल बॉडी फोर्स का इस्तेमाल किया, लंबा कट था और इसीलिए हमें कहते हैं बाहुबली। महेंद्र को एक तरफ किया, दरकिनार किया, कहा निकलने दो बाहुबली को। ऐसा लग रहा था कोई दरवाजा, बारिशों के सीजन में जो लकड़ा मोटा हो जाता है ना, दरवाजा ठीक से बंद नहीं होता, तो दरवाजा खोल रहे थे बालकनी का। मैं कह रहा था ज्यादा कि पिछले कुछ मैचेस में बेहतरीन रेट है, कम से कम 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है। नंबर 117-12 सुपर रेट है, ये सुपर रेट क्या तेलुगु टाइटंस को इस मुकाबले में वापस खड़ा करने वाली है। अरमान ने टर्न एंड ट्विस्ट किया और सीधे मिड लाइन को क्रॉस कर गए। पवन सेहरावत वहीं खड़े थे, 2 डिफेंडर्स को भी जाना पड़ा। बोनस ऑन है सिद्धार्थ को लेकर, और इस बार 1 पॉइंट बेंगलुरु बुल्स करके आए थे। मेघानी गलती की थी, सुपर हिट रोहित ने काम कर दिया। ड्रीम 11 के विनर देखिए, एक जैसे ही रोहित को पॉइंट मिला तो जाए थानी अपनी वीआईपी सीट भी उन्होंने कुछ लम्हों के लिए छोड़ दी। रिवाइव कराना है, बिल्कुल सही समय है उनके आने का, क्योंकि अगर आउट भी होते हैं तो आउट के बाद पूरी टीम दोबारा रिवाइव होगी। तेलुगु टाइटंस 1+2-3 पॉइंट्स बेंगलुरु बुल्स। इसके साथ ही तेलुगु टाइटंस बोनस जरूर मिला है यहां सिद्धार्थ देसाई को। 14 मिनट और कुछ सेकंड बचे हुए हैं इस हाफ में, इस मैच में, और 12 पॉइंट के अंतर से पिछड़ रहे हैं तेलुगु टाइटंस इस वक्त। पवन 300 से 400 के आंकड़े तक ज्यादा सिर्फ 7 मैच में पहुंचे हैं। बिल्कुल ये देखिए, पवन सेहरावत के 400 पॉइंट्स पूरे हो गए, 3 पॉइंट्स बेंगलुरु बुल्स, और ये एक सुपर रेट के साथ उन्होंने 400 का आंकड़ा छुआ है। ये बताता है कॉन्फिडेंस पवन सेहरावत का, 100 रेट पॉइंट का ये सफर पवन ने सिर्फ 7 मैचों में तय किया है। सिद्धार्थ देसाई भी मात्र 2 पॉइंट दूर है अपने सुपर 10 से और अब मात्र 1 पॉइंट दूर है। 1 पॉइंट तेलुगु टाइटंस। बॉडी फोर्स का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं सिद्धार्थ देसाई और समझा जा सकता है अकेला डिफेंडर सिद्धार्थ देसाई खासतौर से जब चल रहे हो, जब गति में हो, तब आप उनके सामने आकर कुछ कर नहीं सकते हैं। वही गलती सिद्धार्थ देसाई को इस तरह से रोक नहीं सकते। और ये देखिए सिद्धार्थ देसाई का इस सीजन का पहला सुपर 10, बेहतरीन खबर है ये तेलुगु टाइटंस के लिए, उनके फैंस के लिए और सिद्धार्थ देसाई के लिए। और फिर से वही हुआ जो सिद्धार्थ के साथ हुआ, एक और सुपर टैकल बेंगलुरु बुल्स का, 2 पॉइंट बेंगलुरु बुल्स। इस सीजन में 15 सुपर टैकल है बेंगलुरु बुल्स के,
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसके साथ ही ये बताता है यही पर सवाल अभी भी अपनी पहली जीत का इंतजार है। तेलुगु टाइटंस का ये छठा मैच था और लगातार हर मुकाबले में वो टीम हारी है। पवन सेहरावत का ऑलराउंड प्रदर्शन, 13 रेड पॉइंट, 4 टैकल पॉइंट पवन सेहरावत के।